जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी सिद्धू मूसे वाले जी के अधूरे सपने को लेकर जो अपने साथ वो ऊपर ले गए। हत्या से पहले उन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा था, उन्होंने अपने पिंड के लिए अपनी माँ चरण कौर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, सही सुन रहे हैं आप, यही सपना सिद्धू मूसे वाला जी के फैन ने अब पूरा किया है। क्या है वो खबर बताएंगे इस वीडियो के अंदर एक एक डिटेल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से जरूर कर लीजिएगा, हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि पल पल की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको बता दें माँ चरण कौर जी जो कि अपने श्रवण पुत्र को बहुत ज्यादा लाड करती थी, अब माँ चरण कौर जी जब भी देखती हैं कि सिद्धू के फैंस उनके लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हैं, नई नई चीजें लाते हैं, उनके चरणों में चढ़ाते हैं, उनके हाथ से रिबन कटवाते हैं, वो रो पड़ती हैं, उन्हें महसूस होता है कि मेरा सिद्धू वापस लौट आया है और वो मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो विश्वास नहीं कर पाती हैं कि फैंस इतना प्यार कैसे कर सकते हैं मेरे बेटे से। कुछ तस्वीरें कुछ वीडियोस देखकर आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। आपको बता दें अमेरिका से ये गाड़ी जो है, ये कार जो है, गाड़ी नहीं कार जो है, खूबसूरत सा ऑरेंज कलर का ये मंगवाया गया है। जी हाँ, मरने से पहले इच्छा थी सिद्धू मूसेवाला जी की कि अमेरिका से मैं कार लेकर आऊं अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को बिठाकर पूरे पिंड की सैर करवाऊं, और आज ये सपना फ्रांस के द्वारा पूरा किया गया है। अमेरिका से एक कार मंगवाया गया है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। कार मंगवाते ही फ्रांस ने सबसे पहले इसे जो है हवेली पर लेकर आए। हवेली पर लाने के बाद माँ चरण कौर जी के प्यारे हाथों से रिबन कटवाया, नारियल फुड़वाया, उद्घाटन किया गया, पूजा की गई कार की, और उसके बाद जो है इसमें बिठाया सबसे पहले माँ चरण कौर जी को, उनके पैरों को जो है अपने माथे पर लगाया और कहा माँ बैठिए, इसमें सबसे पहला हक आपका है। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर में सिद्धू मूसेवाले जी के फैन है जो अभी भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे ताउम्र। अब ये फैंस का दीवानापन है, रिस्पेक्ट है, जो कि आप ये सुनकर पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि अमेरिका से आते ही सबसे पहले, आपको बता दें पंजाब के मूसा गांव स्थित उनके हवेली पर पहुंचे, और तो और अमेरिका से ये कार जो है लेकर आए। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका के कैलिफोर्निया से लग्जरी गाड़ियों का जो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सी कार, ये लेकर आए और माँ चरण कौर जी के चरणों में जो है चढ़ा दिया इस कार को, और कहा कि हमारा भाई नहीं है तो क्या हुआ माँ, हम सब तो हैं उसके सपने को पूरा करने के लिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारे भाई को इंसाफ मिल कर रहेगा। वही सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि सिद्धू मूसेवाला जी का ये सपना तो था ही ये कार लेने का, साथ ही वो अपने गानों में भी इस कार का जो है जिक्र किया करते थे। अब ये कार का नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि गानों के अंदर सिद्धू मूसेवाला जी मस्टैंग जैसी गाड़ियों का नाम लिया करते थे, और ये मस्टैंग कार जो है आपको बता दे ये हवेली पे इस वक्त मौजूद है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी से देखने के लिए नहीं है। वो जरूर ऊपर से देख रहे होंगे और उनको प्रसन्नता भी हो रही होगी, उनकी आत्मा को शांति भी मिल रही होगी कि मैंने जो दुनिया में कमाया है वो सही कमा कर गया हूँ। इतना ही नहीं, सबसे अहम बात तो ये है दोस्तों कि सिद्धू मूसेवाला जी के घर पहुंचकर फैन ने उनकी माँ चरण कौर जी से मुलाकात भी की, गाड़ियों में उन्हें बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान मूसेवाले के पुराने घर भी पहुंचे, जी हाँ, जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला जी कामयाबी पाने से पहले रहते थे, जहाँ पहुंचकर सिद्धू की माँ काफी ज्यादा भावुक हो गई और उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ थे तो आंसू कि काश मेरा श्रवण आज जिंदा होता। इस दौरान आपको ये भी जानकारी दे दे कि अमेरिका से आए हुए फैंस ने कहा कि वो सिद्धू मूसेवाला जी से लंबे समय से जुड़े हुए थे और उन्हें फॉलो किया करते थे, उन्हें गुरु मानते थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने गानों में इन गाड़ियों को जो है गाड़ियों का जिक्र किया था, खास तौर पे 8 सिलेंडर गाने के वीडियो में ये गाड़ियां नजर भी आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका से आए हुए फैन ने यह भी जिक्र किया कि वो सिद्धू मूसेवाला जी से मुलाकात भी करना चाहते थे, हालांकि जीते जी वो मुलाकात नहीं कर पाए सिद्धू मूसेवाला जी से, लेकिन उनके ना रहते हुए उनकी इच्छाएं जो थी वो पूरी उन्होंने कर दी है। आपको ये भी बता दें अमेरिका से आए हुए फैन ने ये भी कहा भावुक होते हुए कि वो सिद्धू मूसेवाला जी से कभी नहीं मिले, वो मिलना चाहते थे नहीं मिल पाए, उन्होंने तय किया कि वो उनका फेवरेट कार लेकर
जो है अमेरिका से सीधा इंडिया आएंगे, पंजाब मूसा पिंड हवेली पर पहुंचेंगे और माता पिता के दर्शन करेंगे। फैंस के मुताबिक जो सिद्धू मूसेवाला जी को कार पसंद थी, वही कार उनकी पसंदीदा कार जो है वो लेकर आए हवेली पर। और वो भी आपको ये भी बता दें कि शिप के जरिए भारत लेकर जो है इस कार को अमेरिका से लेकर आए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों, जिसे सुनकर आप हैरान हो उठेंगे और आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी के करीबी नंबरदार मूसा ने इंटरव्यू में ये बताया कि सिद्धू मूसेवाला को ट्रैक्टर और कारों का बहुत ज्यादा शौक था। उनकी सोच थी कि वो अपने गांव में बड़ी गाड़ियां लेकर आए और अपने माता पिता को बड़ी गाड़ियों में पूरा गांव घुमाए। लेकिन दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैंस आज सिद्धू मूसेवाला जी का सपना पूरा करने के लिए मूसा गांव पहुंचे अमेरिका से। इन लोगों ने मूसा वाला की माँ को हमर और मस्टैंग गाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में चक्कर लगाया। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे सिद्धू मूसेवाले जी के फैन को लेकर? जरूर तारीफ कीजिए, छोटी सी तारीफ या बड़ी तारीफ जो भी आप करना चाहते हैं जरूर कीजिए। एक तारीफ करना तो बनता है कि फैन ने ये दीवानगी दिखाई है और सिद्धू मूसेवाला जी का सपना पूरा किया है। सच में अगर फैन हो तो सिद्धू मूसेवाला जैसा हो, जो उनके फैंस हैं, जो दिलो जहां से चाहते हैं, जिन्होंने उनको एक बार देखा भी नहीं, मिले भी नहीं उनसे, और उनके लिए इतना बेशुमार प्यार जो है उनके दिलों में छुपा हुआ है और वो अब जो है माता पिता के जरिए दिखा रहे हैं, उनका सपना पूरा कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय है। तो दोस्तों जो भी आपकी राय है जरूर कॉमेंट कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में #justiceforsiddhu moosewala जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।